आप पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में दो मुकदमे दर्ज हुए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रही जरा साथ आनंद है कि किसानों के नाम पर ISI और इमरान के मंत्री भी आंदोलनजीवी नहीं है, बल्कि खुद को पर्यावरण का सबसे बड़ा रक्षक बताने और इसी बात का प्रचार करने वाले कुछ खास तरह के पर्यावरण प्रेमी आजकल नकारात्मक वजहों से सुर्खियों में हैं। ये ऐसे पर्यावरण प्रेमी हैं जिन्हें किसानों से, उनकी खेती से, धरती के कटते जल स्तर से कोई प्रेम नहीं है, उन्हें प्यार है भारत विरोधी एजेंडे से। पर्यावरण प्रेमियों का पर्दाफाश, पर्यावरण प्रेमियों की नीयत खराब, किसान बहाना एजेंडा है चलाना। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की पर्यावरणविद, दिशा रवि भारत की पर्यावरण एक्टिविस्ट। किसान आंदोलन में पर्यावरण प्रेमियों की सक्रियता सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि खराब नियत वालों के समागम का नतीजा है। हम बात कर रहे हैं पंजाब में तेजी से घटते जलस्तर की। इसका सीधा कनेक्शन पर्यावरण से और किसान आंदोलन के नाम पर सक्रिय पर्यावरणविदों से भी। MSP की गारंटी के लिए आंदोलन हो रहा है। धान की खेती पर्यावरण से जुड़ा मुख्य मुद्दा है। धान के लिए पानी ज्यादा लगता है, पानी का ज्यादा दोहन हो रहा है, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर घट रहा है। लेकिन पर्यावरणविद या तो इस मामले में चुप हैं या आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली की सरहदों से लेकर सोशल मीडिया तक किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के पर्यावरण प्रेम वाली मंशा पर सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि क्या ये देश के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं या फिर अपने पर्यावरण को लेकर चिंतित भी है। न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएगा कि किस तरह से किसान आंदोलन की आड़ लेकर देश विरोधी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रेमियों का सहारा लिया जा रहा है। अब तक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पारंपरिक खेती का विरोध करने वाले पर्यावरणविद अचानक किसान आंदोलन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि ये हमेशा से इन राज्यों में पारंपरिक खेती का विरोध करते रहे हैं। इनका साफ कहना था कि पारंपरिक खेती की वजह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भूजल का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। हर साल जमीन के नीचे जल स्तर 51 सेंटीमीटर घट रहा है। 2006 से 2017 के बीच 55% कुओं का जल स्तर 2 मीटर तक घटा। अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मोंगा, मानसा, संगरूर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में जलस्तर घटा है। फिरोजपुर, बटिंडा, मुक्तसर, फाजिलका में भी पानी की किल्लत बढ़ी है। 14,51,000 ट्यूबवेल से 35.78 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी सालाना निकल जाता है। करीब 3.5 लाख करोड़ लीटर भूजल का दोहन होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तीनों राज्यों में गेहूं चावल का साइकिल इतना मजबूत हो चुका कि उससे पानी की क्वांटिटी तो पानी का लेवल तो कम हो ही रहा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पानी की यूज़ हो रही है। उसके साथ साथ ज़मीन की गुणवत्ता भी बहुत तेज़ी से खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। गुणवत्ता की वजह से आज ये हालत हो गई, जमीन में एरियन प्रोसेस कम हो गया और उसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरह से इन पर्यावरणविदों की सोच में बदलाव हुआ है और ये आंदोलन के साथ नजर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल के पूर्व COO महेंद्र गुलाटी ने इस बारे में कई अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग को भी चिट्ठी लिखी थी। देश के 90% किसानों को MSP से कोई फायदा नहीं होता। बिचौलिए MSP से काफी कम दाम पर खरीद लेते हैं। बिचौलिए हरियाणा, पंजाब, यूपी में सरकारी सेंटर पर बेच देते हैं। भारत में 90% भूजल खेती के लिए इस्तेमाल होता है।
2030 तक देश के 65% भूजल स्तर का ज्यादातर दोहन हो चुका होगा। सिंगू बॉर्डर पर ज्यादातर संख्या पंजाब के किसानों की है। वहाँ की सरकार और किसान तो अपने राज्य के बारे में सही चीज जानते हैं, लेकिन क्या पर्यावरण के नाम पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले पर्यावरण प्रेमी भी वहाँ के तथ्यों को जानते हैं? आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि पंजाब की 82% जमीन के नीचे से भूजल स्तर काफ़ी कम हो चुका है। यही नहीं, करीब 100 स्थानों पर भूजल का दोहन ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है। ये पंजाब समेत बाकी इलाके के पर्यावरण के लिए भी बेहद चिंता वाली बात है। पर्यावरणविद महिंदर गुलाटी ने किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी एजेंडे में शामिल पर्यावरण एक्टिविस्ट को लेकर दूसरा मुद्दा पराली का उठाया है। उन्होंने पूछा है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में करीब 100 मीट्रिक टन पराली जलाई जाती है, जिससे बड़ी आबादी और पर्यावरण को परेशानी झेलनी पड़ती है। हर साल इसकी वजह से 22 लाख बच्चों को सांस की बीमारी हो जाती है। मैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्सपर्ट के बतौर टेक्निकल कमेटी ऑन डाइवर्सिफिकेशन पंजाब में जब पार्टिसिपेट की है मीटिंग, उनमें हर वक्त एनवायरमेंटलिस्ट ने पानी का मुद्दा उठाया, सोयल का मुद्दा उठाया और हर बार कहा कि आप इस साइकिल को तोड़िए, किसी भी तरह गेहूं और चावल